Hello everyone and welcome to Achieve IAS. My name is Akash Vijayan और आज है 21st दिसंबर 2020, ठीक है। और अब हम लोग रेडी हैं द हिंदू की आज की एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू की एनालिसिस आज करना, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला आर्टिकल आज हमारा नेपाल से रिलेटेड, ठीक है। ये आपका बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आपको ये मिल जाएगा कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि अब जो है आपके नेपाल में जो वहाँ की आपकी जो आपका लोअर हाउस था, जो वहाँ का पार्लियामेंट था, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है और अब वहाँ पे फिर से फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएंगे, ठीक है। और ये आपको पता है अभी के आपके अभी अभी के आपके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली, ठीक है। इनका नाम न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जब अभी कुछ दिनों पहले इंडिया का नेपाल के साथ रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रेन आया था और वो आया था आपका काला पानी डिस्प्यूट की वजह से, ठीक है। जो तीन आपकी टेरिटरीज थी जिसको नेपाल ने क्लेम किया था कि ये हमारी टेरिटरी में आती हैं, आपकी कौन कौन सी, काला पानी, लिम्पियादुरा एंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में था एक और वो था, ठीक है। ये सारे जो है आपकी नेपाल की टेरिटरी में आते हैं, ऐसा केपी शर्मा ने क्लेम किया था, ठीक है। तो अब क्या है कि इन्होंने ऐसा कह दिया है, रेकमेंड किया उन्होंने कि जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, इसके बाद फिर से जो है नए जनरल इलेक्शन करवाए जाएं। और ये डिसीजन जो है ये वहाँ के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी ने भी इसको रेटिफाई कर दिया, उन्होंने उसको अपनी मंजूरी दे दी, ठीक है। तो अब ये आया क्यों, ये ऐसा उन्होंने करा क्यों, तो आपको पता एक स्टेटमेंट जो है वहाँ के एक ऑफिशियल ने दिया है, उन्होंने उसमें स्टेटमेंट में एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, वो आपकी लिंगरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये लिंगरिंग प्रॉब्लम कौन सी थी, ये सबको पता है कौन सी थी, ठीक है। जो वहाँ पे पार्टी के अंदर ही जो आपके सीनियर डिग्नेटरीज थे, जो आपके पार्टी के मेंबर्स थे, उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा था, उनके बीच में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे हमको, ठीक है। आपके केपी शर्मा ओली थे और उनके साथ उनके उनका डिस्प्यूट चल रहा था आपका जिनके साथ, ये इनके साथ जो आपके लेफ्ट में जो आपकी इमेज में है ना, ये इनके साथ, ठीक है। ये आपके केपी शर्मा ओली है, इनके साथ जो है इनका डिस्प्यूट चल रहा था। इनका नाम आपका था पुष्प कुमार दलाल, मतलब प्रचंड इनको कहा जाता था, ठीक है। तो इनके साथ जो इनके काफ़ी डिफरेंसेस इनके चल रहे थे, जिसके जिसको ये लिंगरिंग प्रॉब्लम्स का नाम दिया गया है। और इनकी पार्टी आपको पता है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो और वो डिस्प्यूट ना मतलब इतना बढ़ गया था कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस पे खतरा बन चुका था, जिसके बाद जो आपकी चाइना की जो आपकी वहाँ की एम्बेसडर थी नेपाल में, उन्होंने जो इनका डिस्प्यूट सॉल्व करवाया। तो मतलब सोच लीजिए आप कि कितना चाइना का इन्फ्लुएंस अभी नेपाल में बढ़ा हुआ है, ठीक है। और कितना जो है ये इशू जो इन दोनों के बीच में था वो इतना था कि गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस पे खतरा आ चुका था, और जो हमने अब देख भी लिया कि भाई गवर्नमेंट तो अब खत्म हो ही गई, तो क्योंकि अब तो फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो और उन्होंने मतलब ऑफिशियल ने यह कहा कि डेमोक्रेसी में ट्रेडिशन होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग पीपल लोगों के पास वापस जाते हैं। काफ़ी अच्छा एक लाइन है, इसको आप अगर इसको यूज़ करना चाहें तो जरूर अपने आंसर में यूज कीजिए, भाई किसी ने स्टेटमेंट दिया तो दिया, लेकिन इंडिया तो डेमोक्रेसी है, इंडिया तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम तो नेपाल से भी डेमोक्रेसी है हमारी तो, ठीक है। नेपाल तो कुछ भी, नेपाल के लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो वो तो हमारे सबसे बड़ा है नहीं, ठीक है। तो हम इस लाइन को जरूर जो है अपने आंसर एनलिशमेंट में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके भाई केपी शर्मा ओली के साथ ही आपके थे प्रेसिडेंट मिस्टर, ठीक है, मतलब पुष्प कुमार दलाल, ठीक है। तो अब आपकी इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट ने रेकमेंड किया है कि वो नेक्स्ट ईयर करवाएं, अप्रैल 30 से और मई 10, मतलब एक टू फेज का इलेक्शन होगा, ठीक है। दो चरणों में करवाया जाएगा, अप्रैल 30 एंड मई 20, मतलब नेक्स्ट ईयर जो है इसको कंडक्ट करवाया जाए, ठीक है। वही आपको पता है टेंशन, पुष्प कुमार दलाल इनके साथ धाल इनके साथ जो है इनकी डिस्प्यूट चल रही थी, ठीक है। और फिर अब आपको पता है कि जब जून में मैप पास किया था ना पार्लियामेंट में नेपाल की, जब उसमें तीन टेरिटरीज को नेपाल का पार्ट शो किया गया था, उस टाइम पे शायद ये आखिरी मौका था जब इन दोनों को साथ में देखा गया था, इनमें एक मत देखा गया था कि हाँ भाई ये लोग एक चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, ठीक है। वरना उससे पहले या उसके बाद ऐसा कोई इंस्टेंस हमें देखने को नहीं मिला जहाँ पे इन दोनों के बीच हमें कोई किसी भी तरह का कंसेंसस या फिर एग्रीमेंट देखने को मिले, जहाँ पे ये लोग एक साथ एक एक टॉपिक पे जो है अपने विचार जो है बिल्कुल सेम रखें, ठीक है। वरना हर जगह जो है हमें कॉन्फ्लिक्टिंग इनके व्यूज देखने को मिले, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे, कहीं पे भी इनके एग्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो मतलब आपको पता है, और जो फैक्शन जो वहाँ की पार्टी में बन गए थे ना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में, उसमें जो आपका एक केपी शर्मा वाला फैक्शन था और एक आपका
कमल वाला जो फैक्शन था, ठीक है, तो जो आपका पुष्प कमल वाला जो फैक्शन था ना, वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग था, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके केपी शर्मा जी थे ना, वो आपका अपने जो बिल है, जो उनके ऑर्डिनेंस है, उनको पास नहीं करवा पा रहे थे, ठीक है, मतलब देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर नहीं पास करवा पा रहे अपने बिल्स को या पार्ले उसको ऑर्डिनेंस को, तो देख लीजिए आप, फिर तो खतरे वाली बात है, या फिर तो करवाई लो फिर सिलेक्शन की। अगर मान लीजिए, अगर आपके पास इतना अधिकार नहीं है कि आप बिल ना पास करवा पाए, तो क्या फायदा आपको आप एक पोस्ट पे रहने का, ठीक है, तो सही है। अब तो अगर जो अब जो गवर्नमेंट मानेगी, गवर्नमेंट ने देख तो लिया ही है, अब जो मतलब लोगों ने देख तो लिया ही है, लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और इनके फैक्शन अब बन चुके हैं, तो हमें हमारे लिए कौन बेटर है। अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई, पुष्प कमाल जिन्हें सही नहीं किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनको अब पोस्ट उनको अब नहीं फिर से अलग किया जाएगा, और अगर केपी शर्मा जी सही होंगे तो उनको कर लिया जाएगा, और ऐसी अगर मान लीजिए इससे अगर उल्टा होगा, तो उल्टा भी जो है हमें देखने को मिल जाएगा इलेक्शन के रिजल्ट से, ठीक है, तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तो अब चलते हैं जंप करके सीधा अपना एडिटोरियल्स वाले पेज पे, ठीक है, बीच में आपके क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या आर्टिकल कोई था नहीं, तो डायरेक्टली मुझ पर आते हैं, तो आपका एक आपका राइट कॉल आर्टिकल एक है आपका, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले ना एक न्यूज़ आई थी जिसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट है जो, उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक ऑर्डर पे स्टे लगा दिया था, और वो ऑर्डर क्या था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की इंक्वायरी करने के लिए कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए कि आंध्र प्रदेश में कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तो नहीं है, ठीक है, इसको लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि भाई इस ऑर्डर पे हम स्टे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं कर पाई जाएगी, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को पता आपने वर्ड सुना होगा, अगर एम लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी होगी या पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन टर्म इसको इस्तेमाल हम करते हैं जब स्टेट में प्रेजिडेंट रूल लगना होता है, ठीक है, आर्टिकल 356 जो है, आर्टिकल आपका 356 जो है, उसमें जब आपका प्रेजिडेंट रूल लगवाने की बात की जाती है, उसमें यही तो कहा जाता है कि अगर किसी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहां पर ढंग से काम नहीं कर रही है, तो वहां पर प्रेजिडेंट रूल अप्लाई करवाया जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर स्टे लगा दिया कि आप ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं करवा सकते, ये आपकी पावर्स में आता ही नहीं है, ठीक है, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है, नहीं करवा सकते आप। सबको पता है भाई कि हमारे देश में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है ना, डिवीजन ऑफ पावर है ना, तीन ऑर्गन के बीच में आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड आपका जुडिशरी, ठीक है, तो पावर आप ये नहीं है कि भाई जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव की पावर्स को एंजॉय कर रहा है और लेजिस्लेचर जो आपका एग्जीक्यूटिव की पावर्स को एंजॉय कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो मतलब पावर्स जो है वो डिफाइन कर रहे हैं कि आप इससे ज्यादा बाहर नहीं आ सकते, आपको इन्हीं लिमिट्स में रहते हुए अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना है जो आपको संविधान के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो इस बात पे लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, ये इस पे स्टे लगा दिया, काफी अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक है, ये काम बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो मामला था क्या, पूरा एक हेबियस कॉर्पस की अपील जो है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा सुनी जा रही थी, जिसमें उन्होंने स्टेट काउंसिल को भी समन किया, उसमें उन्होंने कहा कि आप डिसाइड करने में हमारी मदद करें कि जो सरकमस्टांसेस अभी आंध्र प्रदेश में जो अभी चल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ ना नहीं कि हमारे की कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है वो स्टेट में हमें देखने को मिले, ठीक है। तो मतलब एक हेबियस कॉर्पस की पिटीशन के में आप एक हेयरिंग दे रहे हैं, आप एक वर्डिक्ट दे रहे हैं, एक केस आप सुन रहे हैं, उसमें आपने स्टेट काउंसिल को आपने बुलाया और एक ऐसी इंक्वायरी करने के लिए कहा कि आप हमें असिस्ट कीजिए कि हम ये पता लगाएं कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है, नहीं तो असंवैधानिक है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि आपकी पावर से मिलाते नहीं, तो आपकी एग्जीक्यूटिव की पावर है ना, ठीक है। तो दिस वॉज क्लियरली अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी पावर से बाहर निकल रहे हैं, जुडिशियल ओवररीच है ना यार, ठीक है, जो पावर आपकी है भी नहीं, आप उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो आपका होता है, ये तो आपका एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती है, वो डिसाइड करेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है कि नहीं, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद जो है प्रेजिडेंट रूल लगेगा नहीं लगेगा वही डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नहीं एक्सरसाइज कर सकते, और आपका एक ये आपका केस का नाम अगर आप लिखते हैं ना आंसर्स में, जैसे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस अगर आप बुक्स पढ़ेंगे ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो आपके ये आपके केस जो आपके हैं ना, ये लैंडमार्क केसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपका केशवानंद भारती जी का जो केस था वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, इंदिरा स्वानी, ये सारे पे केसेस हैं ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो एसआर भूमि केस ये भी बहुत फेमस केस है, ठीक है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्लियरली बताया था, एक 9 मेंबर की बेंच बनाई गई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ
आर्टिकल 356 के स्कोप के बारे में क्लियर कर दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट रूल जब भी वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, जब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा वहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन जो है उनको दिया जाएगा, ठीक है, और ये फैक्ट भी वहाँ पे जरूर क्लियर किए, जरूर वो करे जाएंगे, चेक किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा कि जो कंडीशंस वहाँ पे बताई गई हैं वहाँ पे रियलिटी में एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती हैं, ठीक है। अगर एग्जिस्ट रियलिटी में कर रही होंगी, ग्राउंड लेवल पे कर रही होंगी, तो जरूर जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल फिर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट तो वैसे पास हो गई, ठीक। और आपको पता है, मैं आपको बता रहा था ना, डिविजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, जो भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 जगह दे रखा है, लेजिस्लेटिव आपका, दिस इज योर एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज योर जुडिशियल, ठीक है। तो इसमें आपके ऐसे पावर डिवाइड हो रखे हैं क्लियरली, तो आप इसमें नहीं जा सकते। ये नहीं है कि आप ऐसे एक दूसरे में घुस रहे हैं, ठीक है, दिस इज नॉट राइट, ये सही में बिल्कुल ही असंवैधानिक है, ठीक है, नहीं कर सकते इसको आप। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ऐसा साफ क्लियरली मेंशन है, ठीक है, तो नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। बट द एपी हाई कोर्ट ऑर्डर सीम टू हैव रिवर्स द स्कीम ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैंने आपको सीक्वेंस बताया ना कि भाई यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पहले प्रोक्लेमेशन देना पड़ेगा, फिर आपको फिर वो चेक भी किया जाएगा कि ये आपके ये वाले ये सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने तो मतलब एक इसमें काफी अच्छा एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि कार्ट बिफोर द हॉर्स, उन्होंने जो बग्घी है उसको ही हॉर्स के पहले लगा दिया, ठीक है, जो बग्घी है उसको ही घोड़े के आगे ला के खड़ा कर दिया। तो क्या होगा, अब घोड़ा खींच नहीं पाएगा, तो ना तो घोड़े चल पाएगा ना बग्घी चल पाएगी, ठीक है, देख लीजिए अब आप, ठीक। तो सही है, मतलब जो आपको पावर्स डिफाइन कर रखी है, जो पावर्स आपको दे रखी है, आप उन्हीं में रहते हुए उनको बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप उनको यूज कीजिए, ठीक है, ताकि लोगों का भला हो, लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाहर जाके करेंगे तो यार कुछ सोच के ही पावर्स दिए होंगे ना, कुछ सोच के ही आपको डिफाइन किया होगा, स्पेसिफाई किए होंगे पावर्स, ठीक है, तो ये ना करें, ठीक है, फिर जरूर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, फिर जरूर हो जाएगा। अगर आप खुद ही संविधान की बात नहीं मानेंगे तो फिर जरूर हमें देखने को मिलेगा कि हाँ भाई संविधान का ब्रेकडाउन अब हो चुका है, ठीक है, फिर जरूर हो जाएगा, ठीक है। और अब आप बताइए, ये सब हुआ भी कब, कि पहले से ही एक एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका था। आपको पता है आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने एक आर्टिकल आर्टिकल सॉरी लेटर उन्होंने एक लिखा था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो आपके एस ए बोबडे हैं, उनको एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है उनका जो रवैया है, जो बिहेवियर है वहाँ की उनकी गवर्नमेंट के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है, ठीक है, और वो एन चंद्रबाबू नायडू जी को फेवर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने कहा था, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज पे भी एलिगेशन लगाए थे, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो उन्होंने उस पर उन पे भी एलिगेशन लगाए थे, ठीक है। तो ये मतलब ये सारी एनवायरमेंट पहले से ही क्रिएट हो चुका था, अब ये एक कॉन्ट्रोवर्सी और हो रही है इसमें, ठीक है। तो अब जब लेटर लिख दिया तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये सब कुछ है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ही पूरा होना सा चुका है कि अब जो है इस टसल को, इस लड़ाई को वो खत्म करवा पाए, ताकि कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एक कंड्यूसिव सा एनवायरनमेंट बने, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बीच में अगर हमें टसल देखने को मिलेगा, तो उसमें बीच में जो फंस जाएंगे वो होंगे हमारे लोग, जो होंगे वो होगी पब्लिक, ठीक है। तो दो लोगों के बीच में अगर दो इनके बीच में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बीच में अगर ऐसे लोग फंस जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन पर बुरा असर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए सबको इनको बराबर एक डायलॉग करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायलॉग से सब कुछ क्लियर किया जा सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं डायरेक्ट से क्लियर ना करी जा सके, ठीक है। तो जरूर कीजिए, और ये ऑर्डर वैसे काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, ठीक है, बहुत अच्छा ये ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मैं उस ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, कभी आप हाई कोर्ट की ऑर्डर से उसको वो कर ले, ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया ऑर्डर पे, वो बहुत अच्छा किया, ठीक है, क्योंकि अब जो है एक मैसेज तो मिल ही गया होगा सबको कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है इसको ना आप पार करें, ठीक है, जरूर इसको आप बनाए रखें, इसको जरूर आप अपहोल्ड करके रखें, ठीक है। तो अब है आपका सेकेंड आर्टिकल, वो आपका लेइंग द फाउंडेशन फॉर फास्टर ग्रोथ, ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये आर्टिकल है, और जो राइटर है इसके वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटेड आपकी वो है एडिटर, जो इसने जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसपे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है, मतलब हमारे सामने भी हमें ध्यान नहीं दिया कि भाई जो, और वो बात थी क्या, वो बात ये थी कि भाई जो कोरोना वायरस से जो
इकोनॉमी में जो हमें क्राइसिस देखने को मिला है ना, वो सच में अगर हम ध्यान देना तो पहला ही ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस होगा जो किसी नॉन इकोनॉमिक सेक्टर से हुआ है, ठीक है। मतलब पहला ही ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस जो किसी नॉन इकोनॉमिक सेक्टर से हुआ है। आपका पहले का आप डिप्रेशन देखेंगे ना, जो आपका ग्रेट डिप्रेशन आया था, है जो आपका 2009-10 में जो आपका हुआ था, अगर उसकी बात करें हम, तो वो भी आपका इकोनॉमिक फैक्टर से हुआ था, ठीक है। तो लेकिन ये जो आया है ये तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, ये तो आपका डिजीज है एक, ये तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। फिर भी लेकिन इतना हम तो क्राइसिस देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो ये बात मतलब हमारे सामने थी भी लेकिन हम लोग देख नहीं पाए, बात हमें इस आर्टिकल द्वारा पता लगा, ठीक है। तो मतलब देखिए कितनी जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो अभी पैंडेमिक की वजह से हुआ वही ऑब्वियसली बात मैंने आपको बताया, ठीक है। और जो पैंडेमिक को कंट्रोल करने के जो एक्शन दिए गए उनसे हुआ, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन देखने को मिले, ठीक है। तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने अपने रोजगार को खोया, जिसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिकॉर्ड लेवल से बढ़ गया, प्रोडक्शन नहीं देखने को मिली, कंजप्शन नहीं देखने को मिली, तो यही जो है सारी प्रॉब्लम्स जो है इसका कारण बनी, ठीक है। लेकिन रेसेशन धीरे धीरे हटी, उसके बाद क्वार्टर वन में हमारी जीडीपी गिरी बहुत बुरी तरह, 23.9% क्वार्टर वन में इस साल के, इस वाले फिस्कल ईयर में, ठीक है। क्वार्टर टू में फिर 7.5% का कंट्रेक्शन हमें देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं पहले से बेटर हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में जो हमारे आए निकल के एस्टिमेट, वो थोड़े से एनकरेजिंग हो, वो थोड़े जो है हमारे लिए पॉजिटिव साइन लेकर आए, ठीक है। तो हम चार चीज़ों की बात करेंगे इसमें। तो पहली बात है हमारी परफॉर्मेंस, हमारी इस जो फिस्कल ईयर है फिस्कल ईयर 20, इसमें हमारी कैसी परफॉर्मेंस रही, ठीक है। तो जीडीपी नंबर्स पता है हमें गिरे फर्स्ट फर्स्ट हाफ में, जो हमारे दो क्वार्टर निकले, ठीक है। तो चार क्वार्टर होते हैं एक फिस्कल ईयर में, तो दो निकल गए, तो मतलब फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। तो उसमें जो है हमारे जीडीपी के नंबर गिरे, और गिरे कैसे, 7.66%। अगर हम 2019 के लेवल से अगर हम उसको कंपेयर करें तो 7.66% का हमें टोटल कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिला, रियल टर्म्स में 11,15,879 करोड़, ठीक है। तो मतलब काफी बड़ा ये अमाउंट है, ठीक है। और हम ये उम्मीद जता सकते हैं, हम ये ऑप्टिमिज्म जरूर रख सकते हैं कि अगर हमारी हमारी जीडीपी ने अगर सेकेंड हाफ में अच्छा किया, तो कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्शन हमें हम उम्मीद कर रहे हैं, जो बाकी सारी एजेंसीज ने ऐसा प्रेडिक्ट कर रखा है कि भाई इंडिया में तो एक डबल डिजिट का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो घट के जो है कॉन्ट्रैक्शन 7.7 तक उसको रख सकते हैं, ठीक है। जो मतलब सही रहेगा यार, इतनी कॉन्ट्रैक्शन देखने के बाद, इतना स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन देखने के बाद भी अगर जीडीपी को हमने 7.7% तक ही कॉन्ट्रैक्ट होने दिया, तो कहीं ना कहीं ठीक है यार, अगले साल रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक वो जरूर हो जाएगा, ठीक है। इफ देर इज एन इंक्रीज इन जीडीपी एटलीस्ट क्वार्टर फोर, इफ नॉट इन क्वार्टर थ्री, द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन इन 2021 कैन बी लिमिटेड टू द रेंज ऑफ 6% से 7%, ठीक है। तो वही बात है, मतलब अगर अच्छा हमने लास्ट के कुछ क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो 6 से 7% तक हमारी कॉन्ट्रैक्शन रहकर रह जाएगी, ठीक है। उसके लिए जरूरी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो अगर आप चाहे प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की बात करें, सबको बराबर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम 2021 से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ये फिस्कल ईयर है उसमें हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि 2021 में जो अगर हम 8% की ग्रोथ देखेंगे, ठीक है, तो भी हम उसी लेवल तक पहुंचेंगे जो हमारा 2019-2020 का जो फिस्कल ईयर था, हम सिर्फ उसी लेवल तक जो है पहुंच पाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना यार, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जितने का, उससे ज्यादा फिर आप अगले साल अगर उसको प्लस में लेके जाओगे, तो फिर वही हम 2019 से जो है अभी कंपेयर कर रहे हैं ना हम इस वाले फिस्कल ईयर को, ठीक है। तो घट के मतलब जितना घटोगा, जितना घटेगा वो अगले साल बढ़ेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं पहुंचेगा 2019 के लेवल पे पहुंचे, ठीक है। तो यही बात है कि मतलब ये दो ईयर जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जो सेक्टर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं जो इसको इन ग्रोथ को कर सकते हैं, वो आपके गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर में भी हमें कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ट्रेड जरूर, ट्रेड एंड ग्रोथ जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले करेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उस पर भी जो है सब कुछ डिपेंड करेगा। और एटीट्यूड जरूर चेंज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर सारी कंट्रीज अपना बॉर्डर क्लोज कर लेंगे कि भाई हम नहीं करेंगे, हम तो अपने आप को ही अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे, तो मैं आत्मनिर्भर भारत पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक
ठीक है, आत्मनिर्भर भारत एक बहुत अच्छी स्कीम है, अगर उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत अच्छी स्कीम है। हमें प्रोटेक्शनिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि तो प्रोटेक्शनिज्म हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। 1991 तक हम लोग प्रोटेक्शनिज्म को विटनेस कर चुके हैं, हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को विटनेस कर चुके हैं। ठीक है, हमें बस खुद को सेल्फ रिलायंट बनाया कि हाँ भाई जो चीज़ें बाहर से हम ला रहे हैं उनको हम खुद भी कर सकें। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि हम बाहर से कुछ भी ना लें और हम एक्सपोर्ट भी ना करें, तो कहीं ना कहीं हमारे इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पर असर पड़ेगा। ठीक है, हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, जिससे कि सब कुछ हेल्दी रहे। ठीक है, तो अगर हम बॉर्डर्स बंद कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को काट देगा। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा हाँ भाई बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये बुरा रहेगा। ठीक है, और हाउ एवर मच ऑफ इंडियंस ग्रोथ मस्ट रेस्ट ऑन डोमेस्टिक फैक्टर्स। ठीक है, ग्रोथ मस्ट नॉट ओनली बीन कंजप्शन ड्रिवन बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन। और ग्रोथ सिर्फ कंजप्शन से रिलेटेड ना हो, इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिले। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रहेगी तो जॉब्स और प्रोडक्शन बहुत अच्छे खासे लेवल पे बढ़ेगा। कंजप्शन से इतना ना बढ़े, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट अगर देखने को मिलेगी ना, तो इन्वेस्टमेंट से जो चीज़ें हो सकती हैं वो चीज़ें किसी चीज़ से नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी मीडियम से नहीं हो सकती, जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट से हमें देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट से नए नए रोजगार बनेंगे, ठीक है, नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए विंडोज जो है खुल के आएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जरूर हमें देखने को मिले। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है कि जो हमारे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको डिफाइन करते हैं, मतलब उनको तय करते हैं कितना क्या रहेगा। जैसे आपका रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन सबको जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की जो आपकी कमेटी होती है वही डिसाइड करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या हाल रहा है इस साल? ठीक है, अकोमोडेटिव रही, आपको पता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए नहीं देखा गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसको घटाने के लिए ही देखा गया, घटाने के लिए या फिर स्टेबल रखने के लिए देखा गया। क्यों? ताकि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो आपको पता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ेगी और कंजप्शन, इससे कंजप्शन में हमें एक स्पाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही इसी वजह से ये कहा गया कि इस मुश्किल समय में हम लोग इंटरेस्ट कम कर दें, जिसके बाद जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में बढ़े, जिसके बाद कंजप्शन देखने को मिले और इकोनॉमी जो है चलती रहे, थोड़ी बहुत जैसे चल रही है वो उससे मतलब चलती रहे, ज़्यादा ही जो है पीछे ना चली जाए। ठीक है, और वही रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी थ्रू वेरियस मेजर, आपको पता है इंजेक्शन बहुत सारे उसमें देखने को मिला है, बहुत सारे सेक्टर्स में जो है इंजेक्शन किया गया, लिक्विडिटी डाली गई। ठीक है, चाहे वो आपका डिस्कम हो, ठीक है, जो आपके पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज होती है उनमें डाला गया हो, चाहे आपका एविएशन सेक्टर हो, या फिर कोई आपके स्ट्रेस्ड सेक्टर्स में भी कुछ ना कहीं जो है गवर्नमेंट ने इंजेक्शन किया था। ठीक है, और आपका मॉरेटोरियम लगाया गया, क्योंकि भाई अगर इनकम नहीं हो रही लोगों की इस मुश्किल समय में तो वो लोन कहाँ से पे करेंगे, तो मॉरेटोरियम लगाया गया जिससे कि उन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े। ठीक है, और सबको पता है कि अगर लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि परचेसिंग पावर भी लोगों में आ जाती है, फिर गुड्स तो आपके उतने ही रहेंगे इतने थे। ठीक है, अब खरीदने वाले बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं खरीदने वाले अगर बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने पर उसका सीधा असर हमें उसके प्राइस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी और मनी सप्लाई से जो है इन्फ्लेशन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। फिस्कल इनिशिएटिव की बात करें, ठीक है, तो फिर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जो आपका मेन सेक्टर है ना, जो आपका मतलब बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, इसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन हमें 12.2% का, मतलब डबल डिजिट का हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं था। ठीक है, ये सब हमें देखने को मिला सेकेंड क्वार्टर में, जो हमारा गया सेकेंड क्वार्टर, इसमें जो है हमें देखने को मिला। ठीक, और अब हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। अगर हम बात करें तो, अब बात करें ना फिस्कल डेफिसिट की, तो हमने पहले क्या किया था कि भाई अगर ये मुश्किल समय ऐसा है कि भाई गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ नहीं रहा, लोगों की कंजप्शन होने रही, तो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, जिसके बाद जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं बढ़ के आपका 8% ऑफ जीडीपी तक जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतना एक्सपेंडिचर देखने को हमें नहीं मिला, जिसके बाद अब ये कहा है, अब ये अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपका कहीं ना कहीं 6% तक ही रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब इतना जो है गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर नहीं किया जो कि इसको करना चाहिए था। ठीक है, ये आर्टिकल वैसे ना बहुत ज़्यादा बेसिक आर्टिकल है। ठीक है, मतलब आप लोग इसको एक बार में पढ़ेंगे, या फिर चलो आप लोग चलो डेली पढ़ते हो, अगर कोई इसको पहली बार भी पढ़ेगा ना, जिसको इकोनॉमी की हल्की हल्की भी बातचीत पता होगी, हल्का हल्का उसको नॉलेज, हल्की हल्की नॉलेज होगी, जिसने 11 12th में भी पढ़ा होगा अभी जस्ट, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। इतना कोई टेक्निकल आर्टिकल नहीं है, अच्छा आर्टिकल है बहुत ज़्यादा। ठीक,
द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द फिजिकल डेफिसिट मस्ट ऑल्सो स्टार्ट, ठीक है। तो अब फिजिकल डेफिसिट को नीचे लाया जाए, जो हमारे लेवल जो हमारे रहते हैं 3-4 के बीच, 3-4% ऑफ GDP जो हम रखते हैं उसको नीचे लाया जाए, ठीक है। अब अगले साल सब कुछ अगर ठीक होने की उम्मीद हम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, GDP, वो आपका GST कलेक्शन में हमें राइज देखने को मिले, इन्वेस्टमेंट में राइज देखने को मिले, कंजप्शन में देखने को मिले, जिससे कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ढंग से करे, इसके बाद फिजिकल डेफिसिट को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं, उसको चेक में रख सकें, ठीक है। अब ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट जरूर देश में बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ना अगर हम स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालें तो पिछले एक दशक में ना थोड़ी सी कमी आई है ग्रोथ रेट में, इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ रेट में कमी आई है। पहले क्या था कि हमारा आज होता था इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपका 38.9%, ठीक है, 2011-12 में, और अब ये घटकर हो गया आपका 32.2%, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट 6% तक की हम लोग गिरावट देख रहे हैं, 6% से ज्यादा की हम लोग गिरावट देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है अभी कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किया गया था लास्ट ईयर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन जो है इंडिया बने, ठीक है, और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया अट्रैक्टिव लगे, जिसके बाद जो है इंडिया में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, इसको जरूर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये हमारे देश में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकती है, ठीक है। और रिफॉर्म्स ऑब्वियसली चाहिए, रिफॉर्म्स अगर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन रिफॉर्म्स ऐसा जरूर ध्यान रखें कि रिफॉर्म्स जो है वो आपके कंसल्टेटिव हों, ठीक है, आप स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करें, या से इस आर्टिकल का पार्ट नहीं है ये, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रिफॉर्म्स अगर आप ला रहे हैं तो जरूर उसको स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद लाया जाए, क्योंकि रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज जो रिफॉर्म्स को लेकर हो रही है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती हैं, ठीक है, इन्वेस्टर के मूड पे, ठीक है, उसके कॉन्फिडेंस पे, ठीक है। फिर हमारा जो गोल था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का 2025 तक, अगर हमें उसको अचीव करना है तो कहीं ना कहीं हमें अभी से ही 9% की एनुअल ग्रोथ हमें अपनी GDP में करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मॉनेटरी पॉलिसी, सब कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्रोथ अगर होगी तो ही आपकी जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट आएगी, आपकी रोजगार जब भी आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। आपका नेक्स्ट आर्टिकल है लूजिंग लूजिंग द प्लॉट ऑन वुमेन्स सेफ्टी, ठीक है। अब आपको पता है महाराष्ट्र में एक एक्ट पास किया गया था, महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ, ठीक है, महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल 2020। इसमें आपके प्रोविजन जो है बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए, पेनल्टी बहुत स्ट्रिक्ट कर दी कि अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट में कोई क्राइम किया जा रहा है, कोई असोल्ट, मर्डर, रेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा अगर किया जा रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट इसमें अब डिफाइन कर दी गई है, ठीक है। और अब उसी के बारे में ये आर्टिकल है आपका, ठीक है। इसमें आपके कुछ कुछ आपके पॉइंट ऐसे हैं जिसको लेके मैं पर्सनली एग्री नहीं करता राइटर के साथ, ठीक है, तो मैं वो आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपका एक जो बात उन्होंने बताया कि कंसल्टेटिव प्रोसेस से इसको नहीं बनाया गया, इस लॉ को, ठीक है, मतलब स्टेक होल्डर जो है आपको उससे कंसल्ट नहीं किया गया, ठीक। तो उन्होंने एक अच्छी बात बोली वैसे कि क्रिमिनल जस्टिस लॉ का इफेक्टिव होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक रोबस्ट इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म और डायनेमिक जुडिशरी एंड एजुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंडिस्पेंसेबल, ठीक है। अगर ये बहुत अच्छी बात है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो क्या करोगे, कितने कानून बना के आप, ठीक है, अगर आपके पास इंप्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप कितने भी कानून बना लो कोई फायदा उनका नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कह देंगे भाई हम लोग स्पीडी ट्रायल करेंगे, हम लोग स्पीडी जो है इसकी कोर्ट में हम लोग इसकी प्रोसीडिंग्स करेंगे, लेकिन आपके पास कोर्ट ही नहीं है, कोर्ट नहीं बना रखे आप लोगों ने, तो कहाँ से होगा, फिर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। अब एक उन्होंने बात की पेट्रियार्कल आइडियाज के बारे में, ठीक है। उन्होंने बताया कि इस प्रोविजन, इस वाले लॉ में एक ऐसा बिल, एक ऐसा प्रोविजन इसमें डाला गया है कि अगर किसी वुमेन ने अगर फॉल्स कंप्लेंट की तो उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा कि इसमें ये गलत प्रोविजन डाला गया है, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा प्रोविजन हम लोग डाल देते हैं तो ये इस बात की तरफ प्रूफ कर रहा है, इस बात से इशारा कर रहा है कि वुमेन आर मैनिपुलेटिव लायर्स एंड अनवर्दी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड, ये गलत बात है, ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसा कोई इंटेंशन अगर एक प्रोविजन डालने से प्रूव नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ऐसा सोचती है, ठीक है,
वो प्रोविजन गलत है या नहीं है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसा भी प्रोविजन डाल के, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहेगी, ठीक है? ऐसा तो कोई नहीं करना चाहेगा कि यार वुमेन आर मैनिपुलेटिव लायर्स एंड अनवर्दी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड। वो तो एक एक डिटरेंट के तौर पर डाल दिया ना एक प्रोविजन कि आप वुमेन जिनका कोई इल इंटेंशन है, मैं नहीं कहता कि भाई इल इंटेंशन रहेगा ही रहेगा, ठीक है, किसी का गलत इंटेंशन या कोई फेक न्यूज फेक जो है कंप्लेंट फाइल करेगा ही करेगा, मैं नहीं कहता, ठीक है, बल्कि मैं खुद बहुत सपोर्ट करता हूँ वुमेन को कि वो आगे ज्यादा आगे से ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, ठीक है। तो फिर ऐसा नहीं है, आप इसको नहीं कह सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी प्रोविजन जो है वो किसी और बिल किसी और एक्ट में देखने को नहीं मिलता। तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो व्हिसल ब्लोअर एक्ट जो हमारा पास किया गया था ना, व्हिसल ब्लोअर एक्ट, शायद उसमें ऐसा प्रोविजन था, ठीक है, कि अगर आप गर्ल्स कंप्लेंट फाइल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ प्रोसीडिंग की जाएंगी, ठीक है, और सही भी है ये, आप गलत नहीं कर सकते। लेकिन भैया अगर कोई भी प्रोविजन हम डालते हैं तो उसका मिसयूज होना पॉसिबल रहता ही रहता है, ठीक है, आप चाहे किसी भी चीज में देख लीजिए, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। और एक आपकी जो नेक्स्ट चीज इसमें है वो आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ पेनल्टी, ठीक है, डेथ पेनल्टी की बात की गई है कि अगर रेप का कोई क्राइम होगा, एसिड अटैक्स या फिर किसी माइनर का रेप होगा तो कहीं ना कहीं इस पर डेथ पेनल्टी जो है हम लगाएंगे, ठीक है। और उसमें लगा उसमें होगा क्यों, ठीक है, अगर कोई क्राइम अगर हीनियस क्राइम होगा, ठीक है, हीनियस इन नेचर और ऐसा कंक्लूसिव एविडेंस अवेलेबल हो कि जहाँ पर एक्सेम्पलरी पनिशमेंट जरूर दी जाए तो वहाँ पे जो है डेथ पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन हीनियस नेचर का जो ये जो आपका टर्म है ना, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। ये जो कानून बनते हैं वो सबसे बड़ी एक लैक्सिटी जो हमें देखने को मिलती है, सबसे बड़ी जो कमी देखने को मिलती है, ड्रॉबैक जिनके होते हैं उनमें होता है कि बहुत सारी टर्म्स डिफाइन नहीं होती कि आप लोग किसको जो है मानोगे कि भाई ये हीनियस क्राइम में आता है, आप किसको कितने एविडेंस के बाद आप मानोगे कि कंक्लूसिव एविडेंस है, ठीक है। ये इंडियन लॉज ऐसे बहुत सारे हैं, छापन नहीं है। एक अमेरिका का एक लॉ बताया था ना मैंने आपको कल वाली वीडियो में, काट्सा, तो काट्सा में एक सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन जो वर्ड यूज किया गया था उसमें अब किसी को ये नहीं पता कि भाई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन क्या होगी, वो तो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करेगा भाई अमेरिका किसको कंसिडर करे। अब हो सकता है हमने एक गन ले ली रशिया से तो अमेरिका कह दे भाई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, हम तो अब आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ये सारे ये टर्म्स आपको डिफाइन नहीं करता, इसको जरूर डेफिनेशन या जरूर देनी चाहिए, ठीक है। और आपका अब क्या है कि डेथ पेनल्टी हैज बीन इन द स्टेटू बुक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बट देर इज नो एविडेंस अफॉर्मिंग इट्स पोटेंसी एज अ डिटरेंट। आपको पता है कि डेथ पेनल्टी बहुत सारे कानूनों में हमारे में ऑब्वियसली है, सॉरी ऑलरेडी है कि हम भाई डेथ पेनल्टी दी जाएगी अगर आप लोग ऐसे क्राइम करोगे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई एविडेंस है नहीं ना कि आप जरूर ये लोगों को ये कम मतलब ऐसा डिटरेंस के रूप में काम करें कि आप ऐसे क्राइम्स को ना करें, ठीक है, क्राइम्स तो हो रहे हैं फिर भी। और एक बात उन्होंने कही कि प्रोविजन इसमें ऐसे प्रोविजन डाले गए हैं कि 15 डेज में ट्रायल किया जाएगा आपका, मतलब स्पीडी ट्रायल किया जाएगा, 45 डेज में जो है आपका पूरा का पूरा कंक्लूजन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने फिर इसमें कहा है कि हेस्टी जो है सब कुछ हो जाएगा, एक हेस्ट भी किया जाएगा, जल्दबाजी में कर दिया जाएगा, ठीक है, और मिस कैरेज ऑफ जस्टिस। तो कहीं ना कहीं यार एक बार इसको इम्प्लीमेंट तो होने दीजिए, इम्प्लीमेंट होने के बाद जो इसमें कमियाँ होंगी उनको जरूर जो है अकॉर्डिंगली देखा जाएगा, ठीक है, अगर कोई कमियाँ निकल के आएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी ये प्रोविजन तो अच्छा ही है ना कि जल्दी से जल्दी ट्रायल करने की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है वो तो, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पर हैं मिस यूज होने के खतरे वो सबको पता है, ठीक है, मैं भी पूरी पूरी बात मानता हूँ कि हाँ हीनियस क्राइम की अगर डेफिनेशन नहीं दे रखी तो वो गलत बात है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हम लोगों को है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें जरूर चाहिए चाहिए ताकि हम लोग इनको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक। और ये मैनिपुलेटिव लाइन्स वाले जो ये लाइन्स हैं मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। और बिल में फर्दर ये भी नहीं बताया गया कि अगर भाई स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में अगर कंप्लीट नहीं किया जाता है ट्रायल को तो क्या किया जाएगा, ऐसा उसमें बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, तो ये भी जरूर स्पेसिफाई करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आपकी कि बहुत सारे प्रोविजन उसमें डाले गए हैं, बहुत सारी पनिशमेंट जो उसमें डाली गई है वो आपके बहुत सारे से ही पहले से ही जो है बहुत सारे लॉस में मैंशनड है, ठीक है, जो आपके आईपीसी है जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उनमें पहले से ही जो है ये पनिशमेंट ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही बात है, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, ठीक है। तो एक चीज पे आप अलग अलग जगह जाके सेम कानून बना देने से तो उसका कुछ असर होने नहीं पाला ना, असर किस चीज़ का होगा, इम्प्लीमेंटेशन का, कि आप लोग इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। आप एक आप अच्छे तरीके से जो है
आईपीसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो फिर किसी और कानून की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे बड़ी चीज रहेगी। और हम बात करेंगे बियॉन्ड जस्ट पर्सुएशन की। आपको पता है फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट जो है दिल्ली के बॉर्डर से हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब बात की गई है बियॉन्ड जस्ट पर्सुएशन। ठीक, तो अभी है क्या, तो अब क्या है कि बहुत सारे टॉक्स जो है फार्मर लीडर्स और गवर्नमेंट के बीच में हो चुकी है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कहा है कि आप एक कमेटी बनाए जिसमें फार्मर लीडर्स होंगे और आपके गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिसके बाद जो है आप लोग एक निकालिए कोई तरीका जिससे कि दोनों के बीच में कंसेंसस बन सके। तो अब क्या है कि एजुकेट फार्मर, गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्मर्स को एजुकेट करने की कोशिश की ताकि उन लोगों को बिल के जो मेरिट्स उनके बारे में पता लग सके। ठीक है, लेकिन एक बिल के मेरिट को समझाना, समझ पाना कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से बाहर है फार्मर्स की, क्योंकि यार वो लोग इतने एजुकेटेड इतने लिटरेट नहीं होते। ठीक है, तो एक अगर ढंग से फार्मर्स को एजुकेट किया जाए तो बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा जो है हम लोग कंक्लूजन निकाल कर देख सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि गवर्नमेंट जो है अपने मेरिट्स को अपने बातों को जो है समझा सके फार्मर्स को, जिससे कि एक एग्रीमेंट बना दिया जाए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका इंटरपर्सनल डायलॉग, लेकिन वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना गवर्नमेंट के बीच में और फार्मर लीडर्स के बीच में, एक इंटरेक्शन हो चुका है, वो डायलॉग हो चुका है, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं ना। ठीक है, तो फिर अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट की सिंसेरिटी जो है जरूर क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की सिंसेरिटी जो है लोगों को क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई गवर्नमेंट जो है सिंसियर है अपने कामों को लेकर, अपने इस प्रोविजंस को लेकर कि जल्दी से जल्दी जो है फार्मर के फेवर में ये सब कुछ, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बहुत इजी सा काम हो जाएगा। उनको कम से कम 1-2 साल वो टाइम हमें जरूर देंगे, गवर्नमेंट को जरूर देंगे कि आप इनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अगर कोई गलत बात निकलेगी, कोई अगर इसमें कोई गलत प्रोविजन देखने को हमें मिलेगा तो हम डेफिनेटली जो है फिर से इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है अभी जो गवर्नमेंट को टाइम चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए वो जरूर उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेगोशिएशन जरूर वो तो हो रहे हैं, लेकिन उससे कुछ निकल नहीं रहा ना। ठीक है, तो अब क्या चाहिए, कुछ आपको चाहिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करें आप। ठीक है, कुछ ऐसा करें जैसे कि बेंचमार्क सेट हो, एग्जाम्पल एग्जाम्पलरी कुछ करें। ठीक है, एक आपका कमिटमेंट बाय की गवर्नमेंट फंक्शनरी। ठीक है, आपके जो मतलब जिन पे लोगों को भरोसा है ना गवर्नमेंट में से, वो लोग आए पब्लिक में, वो लोग आने के बाद सबको एश्योर करें, सबको बताएं कि हम लोग सब कुछ जो है सब कुछ एक वेल इंटेंशन से कर रहे हैं, कोई गलत हमारे इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसा जरूर होगा फिर। ठीक है, तो आना चाहिए उनको पब्लिक के बीच में। और सेकंड क्या करना चाहिए उनको, विजिट जो आपके ग्रास रूट लेवल है जहाँ पे आपके मोस्टली फार्मर यूनियन जो आपके फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनको विजिट कीजिए, वहाँ पर जाकर आप लोग उनसे बातचीत कीजिए, उनके जो ग्रीवेंसेस उनको उनको आप एड्रेस कीजिए, ग्रीवेंसेस को उनकी बातें सुनिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यार फिर तो जरूर निकल जाएगा। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग एक ऐसी चीज है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग एक ऐसी चीज है कि आप उससे किसी भी चीज का वो निकाल सकते हैं, जिससे कि आप उससे किसी भी चीज का एक हल निकाल सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि डायलॉग से सॉल्व ना की जा सके, चाहे वो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हो, ठीक है, या फिर वो फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो वो रखना बहुत जरूरी बात है। ठीक है, और एक चीज ऐसी सकती है आपकी, वो है आपकी शेड हाँ ये शेड वल्नरेबिलिटी की। ठीक है, ठीक है, अगर आप शेड वल्नरेबिलिटी रखेंगे ना, अगर पता लग जाएगा फार्मर्स को, पता लग जाएगा कि हमारी शेड वल्नरेबिलिटी है, अगर हमें नुकसान है इन फार्म बिल से, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है गवर्नमेंट को भी सहना पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मर्स मान जाएंगे कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का एक मौका देते हैं। ठीक है, कैसे, वो ऐसे कि मान लीजिए आप मान लीजिए गवर्नमेंट ये कह दिया जाए कि अगर इन बिल में कोई भी गलत प्रोविजन निकला, कोई भी ऐसा कुछ हुआ जिससे कि फार्मर्स की इनकम पे या फार्मर्स के लेवलीहुड को खतरा बना, तो कहीं ना कहीं उसको आप एक ऐसा डिटर्मिनेंट के रूप तौर पर यूज कर सकते हैं हमारी इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन तो होने ही होने हैं ना। अगर कुछ गलत होगा, कुछ गलत अगर निकला, तो आप उस गुस्से को निकाले जाके वहां पे अपने पोलिंग बूथ पे। ठीक है, आप उनको वोट ही मत दीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो उसका गवर्नमेंट को भी होगा।
ठीक है। तो एक फार्मर्स को अगर ये बात समझा दी जाए कि ये शेयर्ड वल्नरेबिलिटी है, इससे दोनों को बराबर असर पड़ने वाला है, ठीक है, तो सब कुछ जो है हो जाएगा। लास्टली, इफ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मार्कर्स और इंडिकेटर्स आर पुट इन प्लेस, मतलब कि अगर मान लीजिए आप स्टेज बाय स्टेज आप लगा दीजिए ऐसे मॉनिटर्स या इंडिकेटर्स लगा दीजिए जिससे कि हम लोग जो है मेजर करें इन फार्म बिल सक्सेस को, तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा रोल प्ले करेगा कि भाई आपने हर लेवल पे लगा दिए कि इस प्रोविजन का असर, अगर हमने जो है हमने ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का लगाया है, हमने प्रोविजन लगाया है, इंटर स्टेट आपने सेलिंग का लगाया है, ठीक है, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लगाया है प्रोविजन आपने, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका आप जरूर इसको चेक कीजिए, जरूर इसको आप लोग जो है हर बार चेक कीजिए कि इसके कुछ गलत इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहे। अगर देखने को मिलेंगे स्टेज बाय स्टेज कुछ 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 टाइम के बाद, तो इस पर बातचीत करेंगे, और अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो फिर आप जो है अपना प्रोटेस्ट कीजिए पीसफुली, कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो सब कुछ पता लग जाए, सबको लोगों को पता लग जाएगा ना, आपके पास पूरे पूरे एविडेंस होंगे, ठीक है। लेकिन एक मौका एटलीस्ट देना चाहिए ना कि आप इम्प्लीमेंट करने का तो मौका दें, ठीक है। और आज के कुछ वैसे ही आज के आपके आर्टिकल्स कुछ ज्यादा थे नहीं, एक आपका मैंने आपको कॉमर्स से किन की बात हुई, एक आपकी हुई इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, एक आपकी हुई फिर आपके के वुमेन सेफ्टी के ऊपर जो आपकी महाराष्ट्र स्टेट ने जो आपका एक्ट पास किया उसके बारे में, देन आपका ये फार्मेसी के बारे में, ठीक है। तो और जो इम्पोर्टेंट न्यूज हुआ आज के वो आपके हो गए, जैसे आपका आपका रिहेबिलेशन सेंटर खुला आपका तेलंगाना में जो मंकी के लिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका वो आपका पूरे इंडिया में सेकेंड ऐसा कोई सेंटर है, ठीक है। पहले वाला आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, साउथ में ये पहला है, ठीक है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो ये पहला रिहेबिलेशन सेंटर है मंकीज के लिए, प्राइमेट्स के लिए, प्राइमेट्स वैसे सॉरी मंकीज, ठीक है, ठीक है, वो तो कैटेगरी हो गई, ठीक है, मंकीज के लिए, ठीक है। लेकिन पहला जो आपका सबसे पहला जो पूरे इंडिया में खुला था वो था आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और सेकेंड आपका था दुदा रोड अहेड फॉर इंडो यूएस रिलेशनशिप, इसमें आपको बताया गया है कि जब जो बाइडेन आपके प्रेसिडेंट बन के आ जाएंगे तो उसका असर जो है इंडिया के और अमेरिका के रिलेशन पे क्या पड़ेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप जाके उसको जरूर देख सकते हैं, ठीक है, आपको उससे क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। और आज के जो आर्टिकल में बताया गया वो आपको मेनली यही सब बताया गया कि ईरान का जो फैक्टर है वो कैसा रोल प्ले करता है, कि अगर ईरान के ऊपर जो है अमेरिका अपना थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है कि उस पर सैंक्शन नहीं लगाते, तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया को जो प्रॉब्लम अभी वहाँ से चीप क्रूड ऑयल लेने से हो रही होने में हो रही है लेने में हो रही है, तो वो प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं इंडिया उससे मुक्ति पा लेगा। इंडिया के जो कमिटमेंट जो ईरान में है कि वहाँ पे वो लोग रेलवे लाइन जो डेवलप करने वाले थे, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो आगे फेस नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सैंक्शन वाली प्रॉब्लम ही थी जिसकी वजह से इंडिया जो है इस लाइन इसको डेवलप नहीं कर पाया, ठीक है। और भाई फिर आपका बाकी इमिग्रेशन से रिलेटेड आपकी कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है, देन आपका काटसा एक्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है, ठीक है। देन आपका है इंडिया टू इंस्टॉल रेडार्स इन म्यांमार, मालदीव्स एंड बांग्लादेश, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया ने अपने कोस्टल रेडार्स जो है बाकी कुछ देशों में इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसे श्रीलंका में कर रखे हैं, साइप्रस में कर रखे हैं, ठीक है। तो अब इंडिया के प्लान है कि वो म्यांमार, मालदीव्स एंड बांग्लादेश में भी जो है ऐसे रेडार्स जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करें जिससे कि सी पे आने वाले अपने थ्रेट्स को जल्दी से जल्दी मॉनिटर कर सके, और जिससे कि हमारी जो रिलेशनशिप है ना वो इन देशों के साथ भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मदद उन देशों को भी तो होगी, ठीक है। और आपका फोर्थ था इंडिया यूएस मूल मूल ओवर अनफिनिश्ड वर्क, ठीक है। तो मतलब आपके जो अमेरिका के अभी हमारे देश में एम्बेसडर है, ठीक है, तो उनकी थोड़ी बातचीत हुई, उन्होंने इंडिया के साथ अपने लास्ट के 4 ईयर्स में जो अचीवमेंट्स उनके बारे में बातचीत की, कि इंडिया का और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो लास्ट 4 सालों में कितने अच्छी हाइट्स पर पहुंचा, क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट्स प्राप्त की, ठीक है, इन सब के बारे में उन्होंने बातचीत करी, और अनफिनिश्ड वर्क के बारे में बात करी कि क्या क्या चीजें हैं जो रह गई, जैसे आपका ट्रेड एक्ट आपका पास, ट्रेड सॉरी ट्रेड ट्रीटी कोई साइन नहीं हो पाई, कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया इंडिया के और अमेरिका के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो अनफिनिश्ड वर्क में जिसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपके सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो जरूर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।